तो भाई लोग कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। भाई देखो, आज से कुछ टाइम पहले पुष्पा के रिलीज होने के 2 दिन पहले बहुत कुछ हुआ था। अगर याद नहीं है तो प्लीज अपने दिमाग पर जोर डालो एंड याद करो क्या हुआ था। एंड मैंने आपको तभी वीडियो बना के बता दिया था कि भाई देखो, पुष्पा का प्रमोशन नहीं किए, पुष्पा को हिंदी में प्रमोट नहीं किए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। साला अल्लू अर्जुन को जरूरत नहीं है कि भाई वो कपिल शर्मा में जाके अपनी मूवी को प्रमोट करे या बिग बॉस में जाके प्रमोट करे। अगर आज के टाइम पे आपका कंटेंट अच्छा है, लोगों को मूवी पसंद आती है, तो डेफिनेटली वो मूवी 110% चलेगी ही चलेगी। एंड एक वो दिन था एंड आज का दिन है भाई, मतलब इतना टाइम हो गया, 1 महीने से भी ज्यादा हो गया। एंड आज के दिन भी पुष्पा द रेस थिएटर में एकदम धमाल मचा रही है। एंड भाई सिर्फ हिंदी बेल्ट के अंदर वो मूवी 100 करोड़ का कलेक्शन टच करने वाली है, सिर्फ हिंदी में 100 करोड़, मतलब इट्स आउटस्टैंडिंग। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई पुष्पा 100 करोड़ कमा ली है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है साला। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई इस जो कंडीशन अभी चल रही है एंड पुष्पा के साथ जो जो चीजें हुई है उसके बावजूद इसने 100 करोड़ कमा लिया ना, ये बड़ी बात है, मतलब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि भाई जिस हिसाब का ये क्रेज है, जिस हिसाब की ये मूवी है एंड ये मूवी के अंदर जिस तरह का अल्लू अर्जुन ने काम किया एंड भाई जिस हिसाब का क्रेज में देख रहा हूँ, ये मूवी 100 करोड़ से भी ज्यादा डिजर्व करती थी सीरियसली यार। बिकॉज ये मूवी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो भाई ये मूवी को हिंदी में 0% प्रमोशन किया था, मतलब प्रमोट किया ही नहीं। अभी ये मत बोलना कि भाई एक दिन पहले ये लोग मुंबई में गए थे, घंटा वो एक दिन का कुछ काम का नहीं था, एक दिन के लिए अल्लू अर्जुन मुंबई में आ गए, इसको अपनी मूवी को प्रमोट करना नहीं कहते, प्रमोशन करना नहीं कहते। साला प्रमोशन इसको बोलते जो SS राजामौली ने RRR का किया था। एंड जब ये मूवी रिलीज हुई तो साला असली जो तांडव होता है ना, असली मतलब मजा तब चालू हुआ जब इस मूवी को रिलीज कराया गया। एंड सबसे बड़ी बात, इसके रिलीज होने के एक दिन पहले स्पाइडरमैन रिलीज हुआ था एंड स्पाइडरमैन का क्रेज तो आपको पता ही, इंडिया के अंदर साला मेरे को पुष्पा से ज्यादा लग रहा था। एंड स्पाइडरमैन रिलीज हुआ, उसके एक दिन बाद पुष्पा को रिलीज हुआ एंड असली खेल तो तब शुरू हुआ जब इस मूवी के जो रिव्यूज है ना वो मिक्स टाइप के है। कोई इसको KGF की कॉपी बता रहा है, किसी को मूवी पसंद नहीं आई, मतलब हर इंसान के हर तरह के अपने ओपिनियन। एंड उसके बावजूद पुष्पा ने जो कांड किया है, मतलब जो तबाही मचाई है बॉक्स ऑफिस पे, इट्स आउटस्टैंडिंग। अच्छा देखो एक और चीज थी पुष्पा के साथ, एक तो कोरोना तो था ही, मतलब यार इतने देखो, एक तो कोरोना वायरस, ऊपर से 83, ऊपर से स्पाइडरमैन मकड़ी मैन मिक्स रिव्यूज आ जाना। एंड उसके बाद ये थमा नहीं था, पुष्पा के रिलीज होने के 2 वीक्स के बाद ही, मतलब 15 दिन के बाद भी उसको OTT पर रिलीज कराया गया। वो तो थैंक गॉड कि आज की पब्लिक को मतलब समझता है, उनके अंदर भेजा है कि असली जो मजा है ना वो मूवी देखने का, वो भी अल्लू अर्जुन की, वो थिएटर के अंदर ही है। उसके OTT के ऊपर रिलीज होने के बाद भी लोग उसको थिएटर में देखने के लिए जा रहे हैं। भाई ये चीज मैंने कसम से पहली बार देखी है, मतलब इतने बड़े बड़े सुपरस्टार की मूवी जब रिलीज होती है ना, तो कसम से बोल रहा हूँ 2 वीक से मतलब 2 वीक तक भी उसका थिएटर में टिक पाना मुश्किल होता है। एंड ये देखो मूवी यार पुष्पा द रेस OTT में भी रिलीज करा दी इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी, मतलब यार कितना टाइम हो गया इस मूवी को रिलीज करे हुए, मतलब 5 वीक से भी ज्यादा हो गया। मतलब यार 17 दिसंबर को रिलीज हुई थी, आज क्या डेट है यार, मतलब इट्स आउटस्टैंडिंग यार, ये अमेजिंग। मतलब 1 महीने से भी मतलब 40-45 दिन, मतलब कितना टाइम हो गया, उसके बाद भी पुष्पा द रेस को लोग थिएटर में देखने के लिए जा रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। भाई मतलब ये चीज मैंने देखी नहीं है। एंड इसके कलेक्शन मतलब 2 वीक के बाद, इसके मतलब ये मूवी रिलीज होने को 15 दिन से ज्यादा हो गई थी, उसके बाद इस मूवी का असली कलेक्शन निकल के आया, मतलब सबसे ज्यादा हाइएस्ट कलेक्शन। भाई मतलब अल्लू अर्जुन ने जो कमाल किया, जो तबाही दी है, मतलब एकदम अमेजिंग है। एंड ये आने वाली जो मूवीज रहेगी, या फिर साउथ की, पैन इंडिया, या फिर कोई भी मूवी बनाते हैं पूरे इंडिया में, बॉलीवुड को भी मैं बात कर रहा हूँ, इनको सीखना चाहिए कि भाई अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो लोग सपोर्ट करेंगे आप लोगों को। एंड ये बात नहीं है कि भाई आपको प्रमोशन करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आपका कंटेंट अच्छा है तो भाई लोग कोरोना के टाइम पे भी मूवी देखने के लिए जाएंगे एंड सपोर्ट करेंगे। एंड प्लीज़ यार मूवी अच्छी चाहिए। एंड आप लोग रीमेक बना के बोलोगे एंड दूसरों की कॉपी मार के आप लोग बोलोगे कि भाई हमारी मूवी को लोग देखने के लिए नहीं आते, तो भाई ये कहां तक जायज बात है। एंड वैसे भी आजकल तो ये चल रहा है कि भाई अपनी मूवी को बनाओ, 100 करोड़ का बजट रखो, उसको बनाओ एंड भाई 150 करोड़ में OTT वालों को बेच डालो, मतलब यही सब कांड चल रहा है आजकल, तो क्या ही बोल सकते हैं। एंड थैंक गॉड के भाई अल्लू अर्जुन जैसे जब जो एक्टर है जो अपनी मूवी को भाई थिएटर में रिलीज करते हैं, तब जब तक ये लोग है कसम से तब तक तो कम से कम सिनेमा का जो मजा है ना वो जिंदा रहेगा। एंड वैसे भी अल्लू अर्जुन ने 100 करोड़ का जो तमाचा मारा है जो पुष्पा के हेटर्स एंड जो अल्लू अर्जुन के हेटर्स है, वो तो लाजवाब है ही। एंड भाई एकदम मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। सो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड भाई पुष्पा अल्लू अर्जुन में झुकेगा नहीं, अभी भी साला वो थिएटर के अंदर तबाही मचा रहा है। एंड आज 100 करोड़ का कलेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि यार आज से कितने टाइम पहले हमने सोचा था कि भाई 100 करोड़ हो जाएगा तो कितना मजा आएगा, एंड फाइनली वो आज होने वाला है। सो भाई आप लोगों को क्या फील आ रहा है प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं, लव यू।